होटल है बिस्मिल्लाह होटल और हम जा रहे हैं मरी। तो ये एक्सप्रेस वे पे हैं हम इस वक्त। ये हमारे एक्सप्रेस वे, ये मौसम बहुत ज़बरदस्त है और मेरे सर में हल्का सा दर्द हो रहा था, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी जो है वो इधर चाय पी ले। तो उस भाईजान को हमने कहा कि यार हमें चाय पिला दो, तो वो चाय बना रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसी चाय पिला दो। अस्सलाम वालेकुम, चाय में यार क्या आप हमें देंगे? हम आपको दूध को नहीं पिलाएंगे, भैंस के दूध की स्पेशल चाय। हाँ गुड, लेकिन साथ क्या होगा? बिस्किट ठीक है, बिस्किट पे नहीं है। सुपर था कौन सा? हाँ सुपर होटा को कौन सा बिस्किट? नहीं सुपर के अलावा जो भी हो। अच्छा ठीक है, बाकी आप ठीक ठाक है। क्या नाम है आपका? अभी तो फिलहाल इधर थोड़ी सी हफ्सी है, लेकिन क्लाउड आ रहे हैं और आई एम श्योर के ऊपर अच्छा मौसम हो गया, बारिश हो रही है, कोई है कि इंशाल्लाह बारिश नहीं होगी। तो अनफॉर्चुनेटली कोई गर्म चीज़ तो हम साथ नहीं लगे हैं, लेकिन शाहिद साहब का उधर एक दोस्त है, उनका वहाँ पे घर है, वो खाली है। तो हमने ये आज सुबह मेरे घर आए तो उन्होंने कहा मुझे कि यारा प्रोग्राम बनाते हैं, उधर मेरा दोस्त है उसके घर चले जाते हैं। तो उनसे इन्होंने फ़ोन पे बात की, वो खाली था तो उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि चलते हैं। तो इंशाल्लाह रास्ते में अभी चाय थोड़ी सी हम पी लेंगे, बिस्किट और बिस्किट लेके आ रहे हैं। ये नहीं यार, हाँ वो अब ठीक है, आप इधर उधर वो कहते ऊपर नहीं चढ़ना, इधर नीचे है। आप इसकी बात कर रहे हो, मैं वापस आने की बात कर रहा हूँ। मैं यही कह रहा था कि आपको यह है रास्ता थोड़ा सा ना ऐसे इजी नहीं है। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि मैं पहाड़ी अलग आगे जाके बंद हो जाता है रोड, बंद हो जाता। हाँ वापस हमें इसी रास्ते से चलना पड़ेगा, यही तो मैं कह रहा था। अब्दुल्ला लोग आए थे ना बाजी के, वो भी यही कह रहे थे कि ये हमारी आवाज़ों की रिकॉर्डिंग भी हो रही है, लेकिन ये तो आप बाद में एडिटिंग कर लो बिफोर खड़े हैं। ये है जी फरियाद साहब, इनसे हम इनके साथ। अच्छा ख्वाजा साहब उधर ही हैं? ख्वाजा साहब अभी नहीं चले गए हैं? अच्छा उधर ही बैठा था। अच्छा अच्छा हाँ हाँ बताया उन्होंने ना। अच्छा ख्वाजा साहब चले गए हैं? ओहो हम थोड़ा पहले आ जाते ना, मुलाकात हो जाती बच्चे लोगों लोगों को, इनको दे हाँ आगे हटो है बाबे हो आओ ले ना बड़े आराम। अच्छा मैं जब इतों उतरे हैं ना ढोक जब्बर तो मैं फिर अंदाजा होया कि असं हम उस रोड पर आए सीधे जाने। हाँ हाँ सीधे सीधे अब सीधा ही जाना, कहीं नहीं मुड़ना, एंड पे आखिरी एक मोड़ आएगा।
हाँ बड़ा क्लोज है वो और वो है भी बड़ा खतरनाक किस्म का। क्या हालत है? नहीं नहीं आखिरी जो मोड़ है ना थोड़ा उ नहीं है एक खुद पहाड़ी इलाके तो नहीं माशाल्लाह। बस ये आगे सामने घर है ये। हाँ ये सामने हाँ बस इधर मोटरसाइकिल भी साइड पे खड़ी कर देना आगे रोड भी खत्म हो जाती है। आप नहीं 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 आप उधर खड़ी करना बड़ी पत्थर हाँ हाँ पत्थर थोड़ा साइड पे कर देंगे ना वो अगला बंद कर इधर से बहुत जबरदस्त व्यू नजर आती है लेकिन इस टाइम तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अब आपको दिखाता हूँ वो जगह जहाँ पे हमारा स्टे है वो घर आपको काना हम साथ लिख आए चावल हम साथ लेके आए वो शायद अभी शायद किधर है नहीं मैंने नहीं देखा मैं शायद वो नमाज पढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल ये किचन है ये किचन है बात ये साथ ये जो है वो निशान में नमाज जगह होगी ये छोटा सा कमरा है और इधर जाके जब इस कमरे से होते हुए फिर हम अंदर चले जाएंगे अच्छा ये बहुत जबरदस्त कमरा है ये वाला कमरा मुझे पसंद आया और भूख लगा क्या जबरदस्त फॉल सीलिंग इसकी फॉल सीलिंग बहुत प्यारी है ये जो है वो एक कॉरिडोर टाइप की गिर दी है ये और ये जो है वो बाहर का व्यू यहाँ पे और ये एक दरवाज़ा है ये भी बाहर से जो है वो बाहर का व्यू है इधर खेत शेत है और यहाँ पे ये जो है ये वॉशरूम है इसमें
खुश। हाँ अच्छा इनका बेटा है, क्या नाम है? अहमद वो तेरा नाम कैसे ये कैसे बेटा टीचर मैंने पढ़ ली ये तेरा था देख ले यहाँ से शुरू हो रहा है ये कल सुबह जब इंशाल्लाह मैं उठूंगा तो मैं मौसम क्लियर होगा तो इंशाल्लाह ये इसकी जो इस गांव के आसपास जो मज़ाबात है वो आप देख सकेंगे। चलो आप थोड़ा सा हम चाय पी लेते हैं उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग करेंगे आते हैं। लेकिन इसको मैं कहता हूँ ना वो कोई टूट ये हम रात का खाना खा रहे हैं तो चावल है और ये एक किस्म का गोश्त है, ये दूसरी किस्म का गोश्त है, ये सलाद है तो चलो अब हम गाना गाते गाते हैं। आ जाओ क्यों नहीं गाते? अच्छा मैंने इसलिए कहा, मैंने कहा भाभी को बार बार तकलीफ मैंने जिस वक्त आपने खाना खा रहा हूँ ना उस वक्त अभी सुबह क्या है सुबह वो खैर सुबह नाश्ता कर लिया है हमने, अभी पैकिंग कर रहे हैं और निकलेंगे वो आपको बाहर की जमीन दिखाएंगे, बाहर मैं लेके जाता हूँ आपको। जबरदस्त मौसम है, बकरी चल रही है। हमारी गाड़ी खड़ी है यार, लेकिन ये जिस तरीके से हम नीचे उतरे थे मैं हैरान हूँ कि अब ऊपर हमारी गाड़ी
चाहिए भी हो कि नहीं। मुझे सारी रात इसका फिक्र था कि ये पूरी ऊपर तक, ये तो खैर छोटी चढ़ाई है, उधर फिर बहुत ज़्यादा है। रात को मैं जो आपको दिखा रहा था तो बहुत ज़्यादा बादल आए हुए थे, तो अभी बादल कम है तो ये नज़ारे आप देख लें। बहुत प्यारा व्यू है। अभी वो सामने वाले पहाड़ों पे बादल है, क्लियर मौसम अभी नहीं है। मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोशिश करूंगा कि अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आऊं। इजाज़त चाहता हूं। खादा बरियाली उसे अल्लाह पामा। जो बादल है वो अगर क्लियर हो जाए तो ये सारा जो है वो ऊपर के पहाड़ी नज़र आते, वो बहुत खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं, बहुत ज़बरदस्त व्यू है वो।